किलो का लगा झटका, संघर्ष कर रहे किसानों ने मोहल्ला निवासियों की मदद से उखाड़ा जियो मोबाइल टावर। आज जियो को उस समय झटका लगा जब 27 दिन से संघर्ष कर रहे किसानों की तरफ से मोहल्ला निवासियों की मदद से लुधियाना के मोहल्ला इकबाल नगर में लग रहा जियो कंपनी का टावर उखाड़ फेंका। बता दें कि किसानी मोर्चे को लगे आज 27वां दिन है और यह संघर्ष हर रोज तीखा हो रहा है और इस किसानी मोर्चा ने सभी तरह के लोगों को एक मंच पर, एक सोच पर लाकर खड़ा कर दिया है। काबिले गौर है कि समय की सरकारों की तरफ से अपने फायदे के लिए लोगों में नफरत फैलाई जाती रही है, पर जब पूरा आवाम एक मत हो जाए तो वह नफरत को लांग कर भाईचारे का सांझ को अंजाम देता है। ठीक वैसा ही नजारा आज किसानी मोर्चा में देखने को मिल रहा है, जिसमें आज पूरे भारत के किसानों, मजदूरों के अलावा और लोगों की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है और हर संभव मोर्चा पर बैठे मदद किसानों तक पहुंचाई जा रही है। आज अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। किसानों की नजर में सरकार के अड़ियल रवैये के कारण कॉरपोरेट घराने को मानते हुए बहुत से स्थानों पर रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज लुधियाना में जियो के टावर को लोगों द्वारा उखाड़ फेंकने के कारण यह किसानी संघर्ष और तीखा होता नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, जियो के टावर उतरवाने को भी कहेंगे। इस समय जियो कंपनी के मुलाजमों के प्रदर्शन कर रहे लोगों से नोकझोंक भी हुई, अंत में वह कार्रवाई की धमकी देकर निकल गए। लुधियाना से रामकृष्ण अरोड़ा की रिपोर्ट। मेरा नाम जी मोहल्ला इकबाल नगर साढ़े महल च ना जियो का टावर लगाया गया से अज तो तकरीबन 2 महीने पहला। तो जियो का तुम देख रहे हो भी हर पास विरोध हो रहा है, किसान भाईचारा तो मजदूर भाईचारा का विरोध कर रहे हैं। अभी इन्हों टिब्बा थाने कंप्लेट दी सी भी साढ़े एरिए जियो का टावर ना लगिया जा लगाया जाए, तो क्योंकि इस वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान ने, बहुत ज़्यादा नुकसान होने करके असी इन्हों मना किया सीगा। तो बट हुण दूजे पासे किसान भरा साडे मजदूर बैठे आ जिहड़े बार्डर ते इन्हां दा विरोध कर रहे, तो असी घरां च बैठ के नहीं इन्हां दा बाईकाट कर सकते, तो असी इन्हां नूं टिब्बा थाने कंप्लेट कीती भी है जियो दा टावर उतार दिता जाए। तो फिर बट इन्होंने कोई हो नहीं किया, रिस्पोंस नहीं दिता। 1.5 से 2 महीने से 3-4 बार खड़े गए हैं, उस बाद जब सारे महल ने इकट्ठे होकर भाईचारा सारे किसान भाईचारे के मैंबर से सारे ने इकट्ठे होकर असी टावर उतार दिता। टावर उतारन गए तो महल जे ओनर से जिन्हें भी घर लग्या हुआ उन्होंने गल की जे असी भी तुम ये टावर उतार दो, वो कहते भी साडा असी कॉन्ट्रैक्ट होया वा तो असी उतार नहीं सकते इन्हू, तो कहते तुम आओ साडे नाल, कहते असी भी तुहाडे नाल आ, असी भी किसान भरावां दे हक च आ, तो कोई गल नहीं तुम आओ इन्हू उतार दो। ठीक है, फिर असी सारे महल ने इकट्ठे होकर असी टावर उतार दिता। कंपनियों ने कोई गल हुई नहीं, हाले तक साडी कोई गल नहीं हुई, तो इन्हां नाल ही हुई सी बस। ठीक, 2 महीने पहला टावर लगा सी, 2 महीने पहला ही इन्होंने किया भी सी तक भी कि घर वाले ने पहले जियो का उतार दो, वो कहते उतार देव कोई गल नहीं तुम महल नाल, तो बाद कंप्लेट भी सी रोड से पर सुनवाई नहीं की बाद। फिर हूँ थोड़े दिन हुए आया साढ़े को आए सारे जिन्हें इकट्ठे होके घर के मैंबर भी भाई सानू साढ़े बच्चे नुकसान है, तो असी जो किसान भाईचारे नाल असी रहन देना, क्योंकि असी आप उतारे हाँ तो उन्होंने सानू ना एग्रीमेंट जो किया हो उठ जाने साड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो तुम महल तो उतार सकते हो। सारे महल इकट्ठे हो गए उत्थे गए तो किसान भाईचारा भी ना सी, अभी साढ़े महल तो शुरुआत जियो की हुई है किसान भाईचारे नाल ही सारे, तो पहला असी की जियो तो जियो का टावर उतारो तो किसान भाईचारे नाल ही समर्थन देने। जियो का टावर मतलब होर भी लैके जो होने लगा सारे सारे बेनती करते हैं जेडे जेडे महल च जियो टावर लगे वह सारे ला, तो अभी किसान भाईचारे बेनती करा सारे नाल चलो मोटे नौ जो समान दे के जो समान से लैके थाने अपने जियो का टावर नहीं रह